सर 15 से 20 हम लोग एक एज रोमा का टाइम दे रहे हैं, ठीक है। विंडोज डिप्लॉयमेंट सर इसकी प्रीरिक्विजिट्स क्या चीज है, इसको क्या बोला था कि लोडिंग एंड इंस्टॉलेशन विंडोज फ्रॉम पहला जो पॉइंट है इसका प्रीरिक्विजिट यार कि आपके पास DHCP सर्वर अनेबल होना चाहिए। सेकंड जो ऑप्शन क्लाइंट साइड जो वो उसके अंदर नेटवर्क रूट की ऑप्शन होनी चाहिए, ऑप्शन जो इनेबल्ड होनी चाहिए। चलो भाई जी, थर्ड एक चीज है हमें जो सीडी जो विंडोज जो रखनी है इसका इमेज कैप्चर करना है, इमेज को हमने कॉपी करना है। इसके अंदर दो चीजें हैं, इमेज के अंदर एक आपका आएगा इमेज के अंदर दो चीजें आनी है, एक फाइल में रिकॉर्ड होगी boot.bim और एक फाइल में रिकॉर्ड होगी install.bim। अब ये फाइलें हमें कहां से मिलनी है वो चीजें हमने चेक करनी है। W नहीं चल रहा रिकॉर्डिंग की वजह से और M नहीं चल रहा, लेकिन ये vim है WIM। हाँ समटाइम्स जो ना नहीं चल रहा होता क्योंकि VMware भी चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, वो हैवी हो जाता है। ओके जी, विम डाल जो ये ले यार, ये एम है, क्लियर हो गया। ये फाइल में रिकॉर्ड होंगी, ये कैसे हमने कैप्चर करनी है, ये हम सारी ऐप परफॉर्म करते हैं। सबसे पहली चीज के यार मैंने बोला कि यार विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्वर जो हमने एक रोल ऐड करवाना है, हमने सीडी बनाते हैं ना, मैं इसको इस कंप्यूटर को बंद करने लगा ताकि थोड़ा सा उसकी रैम जो फ्री हो, इसको मैं करता हूँ पावर ऑफ। ये चीज हो गई, अब सबसे पहले मुझे इसके अंदर रोल ऐड करना है। सर्वर मैनेजर के अंदर जाऊंगा, रोल ऐड करूंगा तो मेरे से वो पूछेगा कि यार आप पहले DHCP इनेबल करो, हमारा DHCP भी चल रहा है, सो मैं बोली टेंशन नहीं है। ऐड रोल्स एंड फीचर्स, अब इसके लिए जैसे वो DMZ जोन जो हमने बनाया था ना, एक एक्टो डायरेक्टिव वाला रोल हो गया, एक DHCP सर्वर हो गया, एक आज हम जो रोल जो नेक्स्ट सर्वर जो अंदर ऐड करने लगे हैं वो विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्वर ऐड करने लगे। नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे होगा आपके पास विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्वर। चलो जी, इसको अगर ऐड करूँगा तो इसके वो देखो क्या करेगा, ऐड फीचर्स में वो प्रीरिक्विजिट आपको बोला कि यार DHCP आपका नेबल होना चाहिए। नेक्स्ट करूंगा नेक्स्ट करते हैं और इस रोल को इंस्टॉल करते हैं। डिप्लॉयमेंट सर्वर और ट्रांसपोर्ट सर्वर ये दो रोल्स इसके अंदर ऐड होने हैं। रिस्टार्ट करने मैंने इसको, ठीक है जब ये रिस्टार्ट करेगा मैंने इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। ये एक दफ़ा रिस्टार्ट कर देगा जब ये विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्वर, देखो इसके अंदर सर्वर्स के अंदर रोल ऐड करना प्रॉब्लम नहीं है, रोल्स के अंदर जाके थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन जो करनी है वो हमें वो मेन चीज़ है। या बस जस्ट क्लिक करना है, हमने एक दो क्लिक्स करने हैं, हमारा रोल इंस्टॉल हो जाएगा। अभी जैसे ये सिस्टम रिस्टार्ट होगा फिर देखना अजर वाले सिस्टम को हम नेटवर्क से बूट करेंगे, नेटवर्क से बूट करेंगे तो उसके ऊपर विंडोज जो इंस्टॉलेशन जो यहाँ से स्टार्ट होगी। अब वो दो फाइलें जो हमने बोली थी कि मुझे दो फाइल्स चाहिए boot.bim और install.bim, वो मुझे चाहिए, वो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा ये CD में तो वो फाइलें पड़ी होंगी। हाँ एक चीज़ एक ऑप्शन ये है कि यार तू चाह रहा है कि हर एक ऊपर फ्रेश विंडो हो, CD से इमेज कॉपी कर ले। दूसरी ऑप्शन तू चाहेगा कि जब विंडोज इंस्टॉल हो तो उसके ऊपर ऑफिस भी हो, एक्रोबैट भी हो, हर एक चीज़ हो, फिर हम उसके लिए लाइव इमेज कैप्चर करते हैं। इमेज कैसे विंडोज करके जो कुछ आप करना चाह रहे हो ना वो करने के बाद फिर आप उस इमेज को कैप्चर करते हो, जितना आप उसके अंदर वो बूस्ट की तरह की बिल्कुल सेम यहाँ पे वो चीज़ है। 1:07
इंस्टॉलेशन सक्सेडेड ऑन सर्वर टू, इसको क्लोज करते हैं, सिस्टम हमारा रजिस्टर्ड हो गया एक दफ़ा। सर्वर है ना इंस्टॉल, उसके बाद हमने वो बूटर टीम और इंस्टॉलर टीम फाइलें ढूंढ दे, वो फाइलें कहाँ पे पड़ी है। एक लाइव हम परफॉर्म कर लेंगे जिसके अंदर हम लाइव इमेज कैप्चर करेंगे। वो एक ही जगह पे एक सर्वर में, सिर्फ सर्वर में रखते हैं। और क्लाइंट को बूट कैसे करवाना है, बायोस के अंदर जाके प्रेस करना है तो बूट होगा। देखो ऑटोमेटिकली विंडोज इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, वो ऑटोमेटिकली डोमेन के अंदर सिस्टम आएगा। ऐसे ही डीसी बूट करवाने के लिए उसको जाना पड़ेगा, वो आप किसी नेटवर्क में जूनियर बंदे को भेज सकते हैं, मतलब जाना पड़ेगा, जाना हर एक पे जाना पड़ेगा जितने भी सिस्टम हो। तो अभी मेरा काम करने ही आ रहा वाला आज लाजमी भेजना यार, बंदे ने शाम नू सऊदी अरेबिया जाना यार। शेयर इट किया सॉफ्टवेयर तूने? कर लेता हूं है, कर सुन डाउनलोड करो। अरे वानी बड़ा अच्छा तेरे वाला सिस्टम यार, डे वन के अंदर देख कैसा था। वाईफाई भी तो चाहिए ना, वाईफाई का पासवर्ड देख लिया जैसे मॉडम से अपना भी लगा ली तो मेरा भी लगा लें। ओके जी, अब हमने जाना है उस रोल के अंदर। इस रोल के अंदर जाके टूल्स में जाना है और यहाँ पे विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्वर आ गया होगा। विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्वर इसके अंदर जाना है, सीडी चलती है ना, सर्वर टू डॉट आई डी ब्रेंज इसके अंदर आ गया। इसके अंदर कन्फिगर में एक दफ़ा कर लेता हूँ, कन्फिगर सर्वर क्या चीज़ कर रहा है। बिफोर यू बिगिन इंश्योर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर द सर्वर इज मेंबर ऑफ एन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन ADS डोमेन कंट्रोलर, देर इज एन DHCP सर्वर, DNS सर्वर भी होना चाहिए और पार्टीशन जो होनी चाहिए वो NTFS सपोर्टेड जो होना चाहिए। नेक्स्ट करता हूँ, इंटीग्रेटेड है कि स्टैंड अलोन सर्वर है। मेरा इंटीग्रेटेड है, स्टैंड अलोन सर्वर हमने डिस्कस किया था कि जो सेपरेट जो वर्क ग्रुप का मेंबर होगा वो स्टैंड अलोन सर्वर होगा, हमारा इंटीग्रेटेड है एक्टिव डायरेक्टरी के साथ।
इसके ऊपर पासवर्ड लगाना है। क्लियर हो गया जी। अब ये सी नहीं होगा, नहीं वाईफाई के बगैर नहीं होगा। यस करता हूँ। ओके जी, डू नॉट लिसन ऑन डीएससीपी एंड डीएससीपी विद सिक्स पोर्ट्स और कॉन्फ़िगर डीएससीपी ऑप्शन फॉर डीएससीपी प्रॉक्सी डीएसपी। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। ओके जी, एक चीज़ देख यहाँ पे हमें टिक करना है, रिस्पॉन्ड टू ऑल क्लाइंट्स कंप्यूटर्स नोन एंड अननोन। देखो एक कंप्यूटर है जिसके ऊपर कोई इसको आईपी एड्रेस नहीं है, इसके ऊपर विंडोज इंस्टॉल ही नहीं है, हमने इसके ऊपर विंडोज इंस्टॉल करनी है, ये मेरे सर्वर के लिए अननोन होगा। मुझे इसके ऊपर मुझे ये ऑप्शन जब तक मैं नहीं चेक करूंगा तब तक मैं मुझे यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये देखो ये डिप्लॉयमेंट सर्वर हम रेडी करने लगे हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर फाइल्स कैसे ऐड करवानी है वो भी हम एक चीज दफा देखते हैं। देखो जैसे ये चीज हुआ, ये देखो क्या हो गया, प्ले हो गया लेकिन साथ क्या हो गया हुआ, स्टॉप हो गया हुआ। मुझे अब क्या करना है, स्टार्ट करना है पहले इसको। ये सर्वर जब तक स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट हो गया, अब देखो ये ग्रीन हो गया। मीन अब ये देखो जैसे मैंने इसको क्लिक किया ये ऑपरेशनल फॉर्म में हुआ। यहाँ पे मुझे ऑप्शन क्या मिली, इंस्टॉल इमेजेस, बूट इमेजेस। अब तुम्हें बोला था कि यार तुम्हें फाइलें दो मुझे ऐड करवानी है, एक बूट डॉट विम और एक इंस्टॉल डॉट विम। वो फाइलें मुझे कैसे इंस्टॉल करनी है, इसके लिए सीडी रोम का चलना जरूरी है। चल पड़ा, ये देखो पहले एक चीज देखो, मुझे बूट के अंदर जाना है। बूट के अंदर मुझे जो फाइल जो रिक्वायर्ड होगी बूट डॉट विम नहीं मिलेगी तो सोर्सेज के अंदर आ जाओ। सोर्सेज, सोर्सेज में मुझे फाइल चाहिए बूट बूट डॉट विम। मुझे एक ये फाइल चाहिए, एक मुझे चाहिए इंस्टॉल और इंस्टॉल डॉट विम। इस फाइल का देख साइज देख कितना 3GB इस फाइल का साइज है। एक्चुअली जो तेरी विंडोज इंस्टॉल होती है वो इसी फाइल से इंस्टॉल है। कोई भी जो विंडोज इंस्टॉल होनी है उसके लिए सिर्फ इंस्टॉल डॉट बीम की फाइल। पासवर्ड भी चेंज, पासवर्ड लॉगिन लॉगिन पेज के करते हैं। ओके जी, मुझे फाइलें इसके अंदर ऐड करवानी है, कैसे ऐड करवानी है मैं वो भी चीज़ से मैं बता दूँ। इस वाली विंडो के अंदर जाना है, इसकी सेटिंग में जाना है, सीडीरोम फिजिकल यूज फिजिकल हार्ड ड्राइव, इसको मैं करता हूँ ओके। अब जरा देखो मेरे पास यहाँ पे वो ड्राइव जो यहाँ पे इस सीडीरोम को मैं यहाँ पे इस अपने वीएमवेयर के अंदर मैंने व्यू करवाया। आ गया जी, डिस्कवर करते हैं जी। डिस्कवर क्या जी, ओपन फोल्डर्स इन, ओके हो गया मेरे पास ये फाइल आ गई। इस इमेज को मैंने जस्ट इसके अंदर ऐड करना है, बूट इमेज के ऊपर ऐड करूंगा। देखो क्या है, ऐड बूट इमेजेस ऐड करूंगा, फाइल की लोकेशन बताएं। लोकेशन क्या है जी, मेरा सीडी रोम ये वाला, इसमें से सोर्सेज के अंदर मुझे फाइल रिक्वायर्ड है बूट डॉट विम। देखो सिर्फ दो है यहाँ पे, देखो फाइल का उसने क्या डिमांड किया है, विम फाइल में बूट डॉट विम को मैं इसके अंदर ऐड करवाता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ, ये फाइल जो आपके इसके अंदर जो ऐड हो जाएगी, एक दफा करना, एक दफा सिर्फ करनी है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो आईपी कुछ और है, वो 172 वाले आईपी है इसके। और साथ में सर ये तो बगैर हॉटस्पॉट के होता है सर, ये आ गया वो हो गया वो कौन सा लेवल PGRPL तेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं आ रहा एक और मैं देख रहा हूँ। ओके जी, ये मेरा एक टास्क क्लियर हो गया। इसी तरह मुझे क्या करना है, इंस्टॉल इमेजेस में जाके ऐड इंस्टॉल इमेज नेक्स्ट करूंगा, ठीक है जी। उस इमेज का एक नाम उसने रख दिया, अब वो फाइल मुझे ढूंढनी है। एक तो ये चीज़ देखो, बाय डिफॉल्ट हमने कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं की, हमने डायरेक्ट सीडी से जो इमेज है कैप्चर कर लिया। एक होगा जब हमने इमेज बनाना है, अब तेरे पास देखो जब विंडोज 7 तू करता था तेरे पास सारी ऑप्शन आती थी 64-bit 32-bit, तू चाह रहा है यार नहीं सिर्फ जो ना हो, या करना ही तो सिर्फ 64-bit चाह रहा है।
मैं बाकी सबको क्या कर देता हूँ यार, अनचेक कर देता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करूँगा मेरा। अब ये 3 GB की फाइल एक दफा जस्ट इसके अंदर ऐड होनी है। VLAN इन ना कनेक्टेड बगैर ये हॉटस्पॉट के थ्रू ही सेंड करता है, इसमें तो कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। विंडो आईओएस विंडो फोन और एंड्रॉइड डिवाइस आर गूगल पर सेम नेटवर्क कुछ ही सेंड कर रहा है, सर्च भी नहीं ना कर रहा है। हॉटस्पॉट नाउ ओके हो गया, ओके हो गया हॉटस्पॉट देख लिया। 566 नहीं यार, एक मिनट मैं ऑर्डर देता हूँ। है एक मिनट मैं तो सेंड कर रहा तेरे ट्रबल शूटिंग जो साथ जो चल रही चलती है। ओहो एक्टिव ही नहीं है। नहीं नहीं सुपर स्कोप बनाया हुआ है। अब एक मिनट रह जाए, एड्रेस पोल के अंदर जाके इसको मैंने डिलीट करना है। पॉइंट समझो, कोई वैलिड आईपी उसको मिलेगा तो वो आपसे जो एक्सेप्ट करेगा ना। अब जरा कर जरा F12 प्रेस करता रहे, करने ये भी करता रहे ना। स्कोप ऑप्शंस में जाते हैं जरा, फिर जैकुंडा भी चेक कर लेते हैं। देख रहे ये आगे हुआ है, ओनली स्कोप ऑप्शंस कैन बी कॉन्फिगर्ड द चेंज। ओके अब जरा करो, F12 प्रेस करता रहेगा। एक मिनट है, मैं इसको ना स्टॉप करूं। डिलीट करना ऐसे नहीं होना भी। स्कोप बनाना जरा यहाँ पे। स्कोप नेम कुछ भी ले ले। नेक्स्ट स्टार्ट आईपी
थैंक्स। ਨਾ 10 ਤੱਕ ਕਰਾ ਲੋ ਯਾਰ। ਐਡ ਠੀਕ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਕਾਊਂਟਰ 1 ਨਾ 8 ਆਡ ਨਾ ਜੇ ਗੇੜ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਦੋ ਠੀਕ ਐਡ ਕਰਾਓ ਮੈਂ ਗੇੜ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਓਕੇ स्कोप एक्टिवेट भी हो गया। और यार कितने बेवकूफ हो सारे गए सारे आप लोग। इसका वो नेट वो नेट पे है ब्रिज पे तो समझ में आया रुक मैं दोबारा चला के बोल इस वजह से भी है चल हो जाएगा इंशाल्लाह। मिलेगा एक पीस को ना आ गया स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन तुम्हारे वाले किसी के नाम है ना इस दूसरे वाला भी आ जाएगा आ गया ना टू जाते हैं इसको F12 प्रेस करना 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 ये चीज़ देखना हो गया लोडिंग विंडोज ये बंदा इसको एड्रेस देगा जरा मैसेज पढ़ना जरा इसको आईपी मिलेगा किससे 191.168 ये देख क्या सर्च कर रहा है मैक उसका ये है इस मैक से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है B8 आ गया B8AC ये देख ले यूनिक आईडी जो इसको अभी ये चीज देख लो डाउनलोड वो इमेज जो डाउनलोड करने लगा उससे है इसके किस आईपी एड्रेस से वो फाइल देखो बूटर भी कहाँ से उठा रहा है 191.168.105 से जस्ट लाइक सेम जैसे विंडोज इंस्टॉल होगी बिल्कुल सेम एज रियल में जो विंडोज आपकी जो इंस्टॉल होगी भी हो जाएगी आप कुछ एक दो जगह पे आपको एंट्री करनी पड़ेगी उसके बाद आगे नेक्स्ट खुद ही हो जाएगी। इमेज सेव करके रखो सर्वर इस तरह से चला के रखो जब कभी घर में लैपटॉप कभी खराब हो इस तरह से करो डाउनलोड कर लो। क्लियर हो गया क्या चीज है विंडोज डेवलपमेंट सर्वर इसका एडमिनिस्ट्रेटर का आपको पता होना चाहिए यूजर नेम और पासवर्ड 123@abc है abc@123 है 123@abc है नहीं abc@123 एडमिनिस्ट्रेटर abc@123 ट्राई करता @itbrains भी करते हैं @itbrains भी करते हैं के साथ हाँ एडमिनिस्ट्रेटर @itbrains 123@abc ये ले अब देख होगी ओ डॉट केस इमेज यहाँ पे रखा हुआ और नेटवर्क बूट से विंडोज इंस्टॉलेशन
ये इसकी जरूरत जो प्रैक्टिस करना, ये कहलाएगा एक यूनिक, जो इसको बोलते ना कि एज है। वही अगर आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज नहीं पड़ता, लाइक मैं यहां पे बैठा हूं लैपटॉप के साथ कनेक्ट करूंगा, बोलूंगा यार 6 के 6 सिस्टम है, हर एक को बोलूंगा सर F12 का बटन प्रेस कर दे, कैसे बूट फ्रॉम नेटवर्क, F12 का बटन जस्ट प्रेस करना है, इसके कंप्यूटर का आईपी है 192.168। देख इसका मैक मेरे पास यहां पे आ गया हुआ है। अब इसका नाम उसने रखा है mint-3mro, जो भी उसने अपना एक यूनिक आईडी जो इसको असाइन की हुई है वो ये की हुई है। DHCP से इसको आईपी मिला है 192.168.1.12, इसको आईपी मिला है। और इसके ऊपर जो बोलेगा कि विंडोज इमेज जो कैप्चर करने लगा है 192.168.1.5 से पिक करने लगा है। हां जी जाने में आने लगा यार, आने लगा यार, आया सिर्फ 10 मिनट में तेरे पास हुआ।